सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एक्सप्रेस फंडिंग। यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हमारे पास भैया हैं। भैया कहाँ से आए हो? मैं महाराष्ट्र यवतमाल से। महाराष्ट्र यवतमाल से आए हैं और भैया के साथ भी आए हैं। आपका नाम क्या है? उल्लास राठौर। आप इनके क्या लगते हो? साला लगता हूँ उसका। इनके साले लगते हैं। महाराष्ट्र से यवतमाल से आए हैं। भैया आने में कोई तकलीफ तो नहीं? कोई तकलीफ नहीं। एड्रेस मिल गया आराम से? आराम से। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? देखिए, इन्होंने दिवाली का ऑफर लिया है। दिवाली के ऑफर में इन्होंने मशीन परचेज की, अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। इनके पास थोड़े टेंडर्स वगैरह आएंगे तो इसी वजह से ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। भैया आने में मतलब कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि एड्रेस जो था वहाँ ना मिला हो? नहीं नहीं नहीं, पूरा एड्रेस मिला, हेल्प मिली, यहाँ तक आने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और अगर आप लोग भी आना चाहते हो तो आ सकते हो। ये महाराष्ट्र से तो ये मराठी में बोलेंगे। अगर कोई काम स्टार्ट करना चाहता है अपना तो वो कर सकता है कि नहीं? वो सब चीज़ मराठी में आप बोल सकते हो एक बार। हाँ नमस्कार मित्रांनो, मी दिलीप रुडे, मी यवतमाळ दिग्रसवरून आलेलो आहे महाराष्ट्र। तर आपण छोटंसं बिझनेस चालू करू शकता आणि महिन्याचे 50-60 हजार रुपये आरामात कमवू शकता। आणि त्याच्यानंतर सांगतो, एवढं यांचा सपोर्ट आहे, पूर्ण आपल्याला सपोर्ट राहील। आणि त्याच्यानंतर काही प्रॉब्लेम आला कॉलवरती, आणि पूर्ण यांचं खाली स्टोअर रूम आहे, स्टोअर रूममध्ये पूर्ण टोटल प्रोडक्ट वगैरे आहे, काही प्रॉब्लेम नाही। तुम्ही येऊ शकता आणि कमी पैशामध्ये जास्त इन्कम तुम्ही बनवू शकता। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जितना मेरे को समझ में आया कि सर ने यही बोला है कि कोई भी अपना काम करना चाहे कम इन्वेस्टमेंट के साथ, जिसमें ज़्यादा मुनाफा हो तो वो लोग काम स्टार्ट करते हैं। इतना मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आया। बाकी मराठी मेरे भाइयों को तो समझ में आ गया होगा। कोई काम करना चाहता है भैया, आप भी कुछ बोलना चाहते हो? कुछ नहीं बोल दिया बस। भैया बाकी गिफ्ट वगैरह मिल गए? देखो हमारा दिवाली का ऑफर है कि जो भी साथ में भी आएगा, दो बंदे, तीन बंदे, चार बंदे, पाँच बंदे आते हैं, पाँच बंदे तक हम गिफ्ट देंगे। भैया को भी दिया है, तेरे को भी दिया है गिफ्ट, तो आपको मिल जाएगा। बाकी डिस्काउंट वगैरह भी मिल गया। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई स्टाफ ने कुछ गलत तरीके से बात करी हो? तो अगर आप लोग भी करना चाहते हो काम तो आप लोग भी कर सकते हो। बाकी सर को अभी ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करेंगे हम, तो उसके बाद देख लेना। ट्रेनिंग की बिल्कुल क्लिप में डाल दूंगा शूट करके कि कैसे करके ट्रेनिंग वगैरह हुई। ठीक है सर? ठीक है। आपको एक बार सर एड्रेस भी मोटा मोटा एड्रेस बता दो, क्या पाए कहाँ से हो? मेरा गाँव का नाम है मांडवा, तालुका दिग्रस, आनी जिला यवतमाल। और पिन कोड क्या है? पिन कोड आहे 44-52-03। ठीक है, 44-52-03। ठीक है, तो भाई आप लोग भी परचेज करना चाहते हो तो आप लोग परचेज कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, ट्रस्ट ट्रस्ट का कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत, अगर कोई घर बैठा भी ऑर्डर करना चाहता है कर सकता है ना? आराम से, आराम से। दिक्कत नहीं है। आप जितनी पेमेंट करोगे उसकी गारंटी मैं अपनी जिम्मेदारी से लेता हूँ। अगर आप मेरे नॉएडा एक्सप्रेस प्रिंटिंग में अगर पैसा डालते हो, जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उन पर कॉल करके, अगर आपको यार थोड़ा भी डाउट होता है ना वीडियो कॉल कर लो, मैं यहीं रहता हूँ। आप मेरा शोकेस भी देख सकते हो, ये मेरा ऑफिस है पूरा। मैं एक बार स्टाफ भी दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखो स्टाफ भी बैठा हुआ है, आप सब कुछ देख सकते हो। कोई मेरा जैसा सेम तो नहीं बना सकता जी? हाँ दोस्तों, मैं ऐसे ही वीडियो देख के यहाँ आया था, लेकिन मुझे भी जरा डाउट लगा तो मेरा यहाँ आके पूरा डाउट क्लियर हो गया। अभी मैं इधर जाके पेमेंट करके जा रहा हूँ, माल मेरा घर पे बाद में आ जाएगा जी। कोई डाउट नहीं, कोई टेंशन नहीं लेने की बात है। ट्रांसपोर्ट या कोरियर के थ्रू आप लोगों का माल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर देखो एक सर तो आ गए हमारे पास, लेकिन अगर आप ना भी आ पाओ तो ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हो बेझिझक, आराम से आपको आराम से डिलीवरी मिलेगी घर पे। 2-3 दिन में माल पैक होगा, 4-5 दिन में घर पे पहुंच जाएगा। मतलब 10-12 दिन का स्पैन रहता है पूरा, उसमें आपको माल मिल जाएगा। काम शुरू करो बस, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज आपको मिलेगी, मशीन की वैरायटीज हमारे पास यहाँ पे सारी रखी हुई है। जो भी डिटेल जाननी है नंबर पर कॉल करके आप लोग डिटेल जान सकते हो, और हमारे सेल्स पर्सन से आप बात कर सकते हैं। ठीक है सर? ओके। पूरा जैसे ये सामने रखी हुई है, देखो हाँ। और बाकी का जो डिजाइनिंग का है वो मैं आपको कनेक्ट करके बता दूंगा आपके। ठीक है, तो अभी ये देखो अभी ये सामने का साइट है बरोबर, इधर फोटो आ गया कुछ आ गया, तो अभी समझो यही टी शर्ट को मुझे पीछे से नाम डालना है। तो कैसे अपने यहाँ पर सर पेपर एक नीचे रख सकते हो? हाँ, ठीक है हाँ। मतलब पहले यहाँ प्रिंट कर लिया, फिर नीचे एक पेपर रख के हाँ। इसके ऊपर पेपर एक रख लो हाँ। अब इसे रख के फिर यहाँ डाल दो। अच्छा, ठीक है, हमारी टेफ्लॉन शीट बच जाएगी उससे हाँ। उस तरह भी रख के आप प्रिंट कर सकते हो, वो टेफ्लॉन शीट में प्रिंट आ जाता है। ठीक है, दोबारा से आपको इसी बटन में टाइमिंग स्टार्ट करनी, टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी। सेम प्रोसेस मग में रहेगा, कैप में सारा कुछ, सिपर का आपका ये होता है हाँ, ये जो मग का है तो इसका ये खोलना नहीं पड़ेगा ना? नहीं, ये आपका डायरेक्ट इसमें कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ये है ना, ये निकाल के यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये सेम सेटअप हो जाएगा,
सेटअप, इसके लिए टेम्परेचर 350 और टाइमिंग जो रहेगी 90 रहेगी, क्योंकि टाइमिंग हम इसकी चेंज करते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये टाइमिंग हमारा चेंज हो गया, ये सारा कुछ हो गया। ठीक है, ऐसे ही होगा सिर्फ कैप के लिए, और ये इसके लिए चेंज करना। हाँ हाँ, इसके और इसके लिए बस। तो इससे क्या हो, क्या इससे प्लेट होगी, वो सेंटर पोर्शन प्लेट प्लेट। हाँ, उसके बाद में आप उन किचन किचन इसी से हो जाएंगे, इसी से हो जाएंगे, इसी से हो जाएंगे। जैसे है ना एक किचन के बारे में, जैसे ये किचन है ना, देखिए तो किचन हमारा फाइव साइड होते हैं, इसमें एक पिनी लगी होती है, ये हटा लोगे, ये देखिए ये हट जाएगी ऐसे करके, ये देखो ऐसे हट जाएगी, और इसमें प्रिंट लगा के आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये चारों तरफ प्रिंट कर सकते हैं। और देखिए सिपर का मैं बता दूँगा, रहता है आपका जैसे ये है ना, ये ओपन रहता है। ठीक है, इसमें जैसे ये है तो इधर साइड ही आपको ऐसे ही रख लेना, इसे टेम्परेचर टाइमर सेम, टेम्परेचर आपका सेम रहेगा, टाइमिंग आपकी 90 रहेगी। जैसे ये है, इसमें हम प्रिंट कुछ ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, और ऐसे ही मशीन को प्रेस करके हम प्रिंट कर सकते हैं, टाइमिंग बस चेंज रहेगी, टाइमिंग रहेगी 120 सेकेंड आपकी। ठीक है, अच्छा हाँ, और सारा कुछ सेम रहेगा आपका। सर सारा कुछ समझ में आ गया। ठीक है सर, जो दिक्कत हो आप कॉल कर सकते हो मुझे। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, गिफ्ट वगैरह सारा कुछ मिल गया ना आपको? ठीक है।